Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain important question answer of chapter Deep Water, written by the writer William Douglas. Students, before explaining the question answers, I want to tell you about the theme of the chapter. So, this lesson deals with the idea of fear. Students, डीप वॉटर में क्या डिस्क्राइब किया गया है? आइडिया ऑफ फियर. फियर मीन्स डर. इट कन्वेज द आइडिया दैट फियर इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मीन्स बैरियर, रुकावट टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस. इसमें क्या कन्वे किया गया है कि जो डर होता है वो एक बहुत ही बड़ी रुकावट है. किसमें? आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस. कि हमारे हैप्पीनेस और प्रोग्रेस के रास्ते में फियर है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है. इट इज ए नेगेटिव फीलिंग. फियर है वो नेगेटिव फीलिंग है विच पैरालाइजेस अस, जो कि हमें पैरालाइज कर देता है. क्योंकि अगर किसी चीज के लिए हमारे माइंड में डर है तो हम वो काम नहीं कर पाते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डर ने क्या कर दिया, हमें पैरालाइज कर दिया. एंड मेक्स अस पैसिव, और बिल्कुल हमें डर निष्क्रिय बना देता है, ये हम कुछ कर नहीं पाते. बाय विल पावर, लेकिन अगर कुछ करने की इच्छा है, विल पावर हमारे अंदर है. एंड ऑप्टिमिज्म, यदि हम होपफुल है, हमारे अंदर उम्मीद है, वी कैन ओवरकम इट. ओवरकम मीन्स कंट्रोल, तो हम फियर को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि इस चैप्टर में नरेटर ने किया था, विलियम डगलस ने किया था, कि वो पानी में लगभग डूबने वाला था, उसने कैसे अपनी प्लानिंग बनाई और कैसे अपनी डिटर्मिनेशन पावर और विल पावर से पानी से बाहर आ गया था, और लास्ट में कैसे उसने पानी के जो डर होता है उसपे ओवरकम किया. तो नेटर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर देयर इज ओनली वन मेजर कैरेक्टर एंड दैट इज विलियम डगलस. विलियम डगलस ही वॉज ए वेल प्लानर, डिटरमाइंड पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक, ही हैज ए ग्रेट करेज. Now I will explain question answer. In between question answer, textual question है वो आपकी बुक के पीछे है, आप वहां से लर्न कर सकते हो, और चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स लेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द YMCA पोल. YMCA means Young Men Christian Association. इसका नाम YMCA क्यों है? बिकॉज इट वॉज रन बाई क्रिश्चियंस, सो इट्स नेम वॉज YMCA. अब यहाँ पे है कि जो YMCA पोल था उसके फेवर में कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से डगलस ने स्विमिंग सीखने के लिए वो पोल डिसाइड किया. तो फैक्टर कौन से थे कि वहां पे एक रिवर थी याकिमा, वो तो डेंजरस थी, जबकि YMCA पोल, दिस पोल बहुत सेफ. ये सेफ था क्यों? क्योंकि इसका जो सैलो एंड था उसकी डेप्थ है वो 2 और 3 फीट थी, और जो एंड पॉइंट था इसका वहां की डेप्थ है वो 9 फीट थी, और स्लोप मीन्स ढलान, वो भी कैसा था? ग्रेजुअल था. और साथ में वहां पे जो विंग्स है, पैडलिंग विंग्स, उनकी फैसिलिटी अवेलेबल थी, इसीलिए YMCA पुल कैसा था? सेफ था, इसीलिए विलियम डगलस इसको चूज करता है स्विमिंग सीखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू द ऑथर इनटू द स्विमिंग पूल. कि जो ऑथर है, राइटर हमारा विलियम डगलस है, उसको पूल में कौन फेंक देता है? तो कौन फेंकता है? ए यंग बॉय ऑफ 18 ईयर्स, एक 18 ईयर्स का बच्चा, एक लड़का होता है, वो उसको फेंकता है. विद रिपलिंग मसल्स, उसकी मसल्स कैसी होती है? रिपलिंग होती है. वो नेटर को स्विमिंग पूल में फेंक देता है. आगे है, व्हाट प्लान डिड द ऑथर मेक टू कम आउट ऑफ द पूल. अगर नेटर को स्विमिंग नहीं आती थी तो उसने पूल से बाहर निकलने के लिए क्या प्लानिंग की? तो उसने प्लानिंग क्या की थी? उसने ये सोचा था कि जैसे ही वो सिटिंग पोजिशन में नीचे जा ही रहा था, कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा तो क्या करेगा, वो पूरे फोर्स से जंप करेगा. ही वुड गिव ए बिग जंप. और बिग जंप देगा तो क्या होगा, वो सरफेस के पास आएगा. सरफेस के पास आते ही क्या करेगा,
लाई फ्लैट, वो सरफेस से फ्लैट लेट जाएगा और उसके बाद वो पैडलिंग करता हुआ एज मीन्स किनारे पे आ जाएगा, ये उसकी प्लानिंग होती है। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही वाज टोस्ड, टोस्ड मीन्स थ्रोन इन टू द वॉटर, जब ऑथर को पानी में फेंक दिया गया था तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन हुई थी, जो पानी में होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब कोई पानी में होता है तो कंडीशन क्या होती है, बॉडी पानी भर जाता है, उसके लंग्स थे वो कैसे थे, लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, फटने वाले थे, उसकी बॉडी में पानी था, वो उसकी आईज में पानी जा चुका था, देयर वाज वाटर एंड वाटर ऑल अराउंड, उसने अपनी आईज भी ओपन की तो उसमें भी क्या दिखा, उसे वहां पे पानी पानी दिखाई दिया और वो उसे ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज हो गया है, बिल्कुल वीक हो गया था, पानी बॉडी में जा चुका था, इस वजह से ऐसा उसे फील होता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब नाइटर पानी में होता है तो वो तीन बार नीचे आता है, ठीक है, तो उसके बाद वो सारे अपने एफर्ट से वो सीज मीन्स स्टॉप कर देता है, तो सारे एफर्ट सीज करने के बाद क्या होता है, तो क्या होता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, कंफर्टेबल क्यों करता है, बिकॉज नाउ ही इज फेंट, वो बेहोश हो गया है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्पेस में है और मदर की टेंडर आर्म्स, सॉफ्ट आर्म्स है वो उसके चारों ओर है, अब और एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, नाउ ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है, मीन्स वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ऑथर चैलेंज टेरर, टेरर मीन्स डर, कि जो नैरेटर है विलियम डगलस वो टेरर को चैलेंज कैसे करता है, डर को कैसे वो चैलेंज करता है, ये इंसिडेंट कब का है, जब वो लास्ट में अपने फियर को ओवरकम करता है तो उस टाइम पे उसके माइंड में टेरर आता है, तो उस पे वो उसको कैसे चैलेंज करता है, तो कैसे करता है, व्हेन ऑथर गोज अलोन ड्यूरिंग स्विमिंग टाइम देन ही स्विम लेंथ अप एंड डाउन, वो अप डाउन स्विमिंग कर रहा होता है, देन टाइनी वेस्टीज रिटर्न टू हिज माइंड, कि जो डर था उसके कुछ पार्ट है वो उसके माइंड में आ जाते हैं, उसके माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं वही उल वाला जो डर है उसके माइंड में आता है, नाउ ही बिकेम फ्रोन, अब वो गुस्सा हो जाता है और डर से बात करता है, डर से क्या बात करता है, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर्स टू यू लुक, और इतना वो बोलता है तो उसका जो डर है वो माइंड से गायब हो जाता है और वो स्विमिंग कंटिन्यू कर लेता है। नेक्स्ट इज डगलस सेज द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, व्हेन डज ही मीन, सॉरी व्हाट डज ही मीन, डगलस ने ये कहा था कि द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, एक्सपीरियंस कौन सा, कि जब वो स्विमिंग पूल में डूब गया था, लगभग डूबने वाला था, वो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस का उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है, उसकी डीप मीनिंग रखता है, कैसे कैसे, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस के बाद ही उसके अंदर करेज, हिम्मत आई थी, होप डिटर्मिनेशन आई थी, और इन सभी की वजह से ही उसने अपने इस फियर पे ओवरकम किया था और अपने गोल को अचीव किया था, इसलिए ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक डीप मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द ऑथर्स कंडीशन आफ्टर ही एस्केप्ड डेथ, जब नैरेटर डूबने से बच जाता है तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो वोमिटिंग करता है, ही वॉज फीलिंग वीक एंड ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मीन्स कांपना, वो बहुत ही वीक कमजोर फील करता है, कांप रहा होता है, ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, उस दिन वो बेड पे सोता है तो भी वो हिलता है और वो चिल्लाता है, एंड He didn't eat anything that night. रात को कुछ खाता भी नहीं है. And for several days, a haunting fear gripped him. और काफी दिनों तक उसके मन में बहुत ज्यादा डर रहता है. Next question. What is message of the chapter? कि इस chapter का message क्या है? The message of this chapter is very meaningful. बहुत ही meaningful message है.
इस चैप्टर में ये मैसेज कन्वे किया गया है दैट नथिंग स्टैंड्स बिफोर अ डिटरमाइंड पर्सन. यदि कोई डिटरमाइंड है तो उसके सामने कुछ कोई भी चीज है वो नहीं रुक सकती, कोई भी बड़ी रुकावट है वो उसके गोल के रास्ते में नहीं आ सकती. ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ हिज प्रोग्रेस. कि यदि हमारे अंदर विल पावर है और साथ में हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम अपनी जो सक्सेस है उसके रास्ते में जो ऑब्स्टिकल आती हैं उन पे इजीली ओवरकम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे. तो आपको इनको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग नोटबुक में नोट डाउन करना है. कहीं भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना.